प्रणाली साढ़े सारे वास्ते पंजाब वास्ते पंजाब के हर बछिंदे वास्ते एक महान शख्सियत जिन्होंने दरवेश सियासत ध्यान में कहा जाता है और जिन्होंने जिंदगी दे 95 साल चो 75 साल जड़े ने पंजाब नूं दित्ते पंजाब की सियासत नूं दित्ते संघर्ष किए जेलां कटियां तसीहे चले सरकारां दे सामने किए मोर्चे च हिस्सा लिया और पंज वार बतौर मुख्यमंत्री पंजाब की सेवा की और पंजाब ने देश की राजनीति विच उन्होंने एक अजिहा कद बनाया कि उन्होंने अकाल चलाना कर जाने तो बाद जिस तरीके का मान सम्मान समुचे देश वालों मिलया है मेरे कहने तो मुराद सत्कारयोग स्वर्गवासी सरदार प्रकाश सिंह जी बादल सब तो पहला असी उन्होंने श्रद्धा के फुल भेंट करते हैं। मेरे नाल मेरे साथी साढ़े गठजोड़ का हिस्सा बहुजन समाज पार्टी के जनरल सैकटरी बरविंदर कुमार जी बैठे ने जिहड़े हलका करतारपुर तो गठजोड़ के 2022 दे विच उम्मीदवार भी रहे पर एक मीडिया के कुछ हिस्सों के विच बिना किसी कारण तो गठजोड़ नूं लैके चर्चा जी चलती और वो इस करके शायद छेड़ी गई है कि जिस तरीके का मान सम्मान देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वालों और जिस तरीके के शब्दों का प्रगटावा भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप वालों सरदार प्रकाश सिंह बादल होर की प्रशंसा में किया गया है वो तो अंदाजे ला के कुछ अजिही चर्चा जिहड़ी है कि भौंके गठजोड़ हो सकता जी हो सकता कि नहीं हो सकता जी उहदे उत्ते पक्का विराम लाउण वास्ते तुहानूं ते तुहाडे सारयां दे राहीं पंजाब दे लोकां नूं बेनती करन वास्ते कि इह गठजोड़ जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी दा है जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के नाल अकाली दल का गठजोड़ लंबा समा चलिया सी ते किसी कारण करके टुटा सी ते जिस तरह बादल साहब ने भी जनवरी 2022 दे विच शब्द वरते सी कि जदों शीशा टुट जाता है त्रेड़ पै जाती है तो फिर मिटती नहीं जुड़ती नहीं और जिथों तक बहुजन समाज पार्टी के संबंध की गल करिए पार्टी है एक वो धिर है जिहड़े उन्हां दबे कुचले लोगों की प्रतिनिधता करती और बाबा साहेब अंबेडकर जी दे पैरोकार बन के चाहे असी सारे ही उन्हां दा सत्कार करते हैं ते उन्हां दे नक्शे कदम ते चलदे होया उस बहुजन समाज की उस विशेष वर्ग की जिहड़ी है चाहे समुचे पंजाब दे हरेक वर्ग की करते हैं पर एक विशेष वर्ग के नाल ये जुड़ी हुई पार्टी और जे देखिए कि श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी का जिहड़ा गठजोड़ है
जे तुसी आपसी समीकरणा की गल करोगे तो तुहानू उहदे नतीजे अपने आप ही स्पष्ट नजर आउणगे। और मैं पिछोकड़ दे विच जाना चाहना है कि अज भी जलंधर दे विच लोक सभा की जिमनी चोण है। एक 1995 विच जिमनी चोण होई सी गिदड़वाहा दी, सरदार बेअंत सिंह मुख्यमंत्री सी ते श्रोमणी अकाली दल दे उम्मीदवार सी सरदार मनप्रीत सिंह बादल, ते जिमनी चोण होई सी ते उस जिमनी चोण दे विच श्रोमणी अकाली दल दा जिहड़ा गठजोड़ सी वो बहुजन समाज पार्टी दे नाल सी। भैण मायावती जी मेरा ख्याल है कि उन्होंने उस चोण दे विच दो तीन रैलियां कीतियां आण के बकायदा यूपी चो, और करीमपुरी साहब उन्होंने उस समय समुची टीम सारे इन्होंने भी दिन रात उत्थे मेहनत की, घर घर तक पहुंच की, नतीजा की निकलिया कि इलेक्शन कमीशन टी एनशेषन, मैं कोई इलेक्शन कमीशन से सवाल नहीं खड़ा कर रहा, पर उहदे भी कोशिश सीगी कि इलेक्शन जिहड़ी है कांग्रेस जिते, क्योंकि एक हफ्ते वास्ते इलेक्शन ही पोस्टपोन कर दिती गई सी उस समय, ते दोनों पार्टियां दे श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी दे गठजोड़ करके एक इतिहासक जित जिहड़ी है जिमनी चोण दी अजिही दर्ज होई कि फिर जिहड़े है पंजाब दी सत्ता की गल कर लीए, पंजाब च तब्दीली की गल कर लीए, तो फिर बुलंदियां वाले पासे नूं जाण वाली गल शुरू हुंदी। और इतिहासक जित 1996 की लोक सभा चोण उहदे विच भी श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी का गठजोड़ सी, ते गठजोड़ दे दोनों पार्टियां ने इलैक्शन लड़ी, ते 8 सीटां जिहड़ियां ने ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ। 13 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਗਠਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਿ 13 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਸੀਟਾਂ ਆ ਜਾਣ ਇਹ ਕਦੇ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਠਜੋੜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ तब्दीली है पंजाब की सियासत की जिहड़ी इस गठजोड़ करके आने वाले समय च पंजाब च आनी है ते जिहड़ी जलंधर च स्पष्ट रूप च नजर आ रही है। तुसीं देखो कि अज नवजोत सिंह सिद्धू जिहड़े कांग्रेस के कदावर आगू ने, और मेरा ख्याल है कि जे कह लईए कि हिंदुस्तान की एक मन्नी प्रमन्नी, चाहे वह एक्टर के तौर पर कह लो, चाहे क्रिकेटर के तौर पर कह लो, तो एक सियासी हस्ती के तौर पर साढ़े वखरेवे सौ हो सकते, पर अज उन्होंने स्टेज तो बोलद हो पोलिटिकल इकट्ठ के बोलद हो एक चोन के समागम के बोलद हो आपके पार्टी के प्रोग्राम के बोलद हो इतों तक कहता कि जोड़ा श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार है जलंधर की जिमनी चोन तो डॉक्टर सुखविंदर कुमार सुखी, वो बहुत वधिया उम्मीदवार है। तुसीं हिसाब ला लो कि जदों अजिहे लोग इस गठजोड़ के उम्मीदवार की प्रशंसा करनगे, तारीफ करनगे, भावें कि यह भी है भी सच, तुसीं भी जानते जे मैं भी जानता हाँ, और जिन्होंने डॉक्टर सुखी होरां नूं नेड़ियों देखा है जां उन्हां बारे जाणिया है, उन्होंने इस गल का पता है कि अज की राजनीति दे विच डॉक्टर सुखी वर्गे बहुत घट है।
और जे पंजाब की बेहतरी कर सकती है तो डॉक्टर सुखी वर्गी सियासी बेहतरी कर सकती है। और जिस सुभा के मालिक ने और जिथे राजनीतिक ने उत्थे नाल ही आपके किते नूं भी समर्पित ने, मैडिकल सर्विस जिहड़ियां ने इक हस्पताल चलाउंदे ने, तो चाहे जिस तरह के मर्जी वह हालात च होण वह आपके किते नूं किसी भी तरह वह जिहड़ा आ उहदे तों दूर नहीं जांदे, लोड़ पैण ते हरेक की मदद करते हैं, हरेक वास्ते हाजिर रहिंदे ने। ते और जिस तरह की सियासत करते हैं, जिस तरह लोगों विच विचरते हैं, जिस तरह की गलबात करते हैं, जिस तरह के मुद्दे उठाते हैं, तो इस करके अज जो कट्टर विरोधी ने उन्होंने जो दिमाग चल रहा है कि यार उम्मीदवार वधी है वह अज जबान पर आना भी शुरू हो गया। नवजोत सिंह सिद्धू होर की जबान पर आना, क्योंकि साढ़े को भी सज्जे खाबे जबानी गुलामी जे जो कांग्रसी ने भारतीय जनता पार्टी वाले ने जो जे कई सज्जन जिन्हों का साडा बोलचाल हैगा वह भी कहते हैं कि यार उम्मीदवार पता नहीं कितों कद के लिया जे, असी तो कभी सोचा ही नहीं कि एडा मजबूत जिहड़ा उम्मीदवार है एडा वधिया उम्मीदवार तुसीं लैके आओगे। तो सानू असी धन्नवादी हैं सर नवजोत सिंह सिद्धू के वखरेवे सौ हो सकते हैं, सौ एक दूजे के विरुद्ध गल्लां कीतियां होणगियां, पर पहले तो मैं सारे सियासतदानों बेनती करूंगा कि कड़त्तन का कोई फायदा नहीं, साढ़े अगे बड़ी कड़त्तन घोटते रहे हैं, बड़े एक दूजे उत्ते वार प्रतिवार करते रहे हैं, पर सरदार प्रकाश सिंह बादल अजिहियां पैड़ां पा गए ने, जे कि 5-10% भी उन्होंने पैड़ा से असी चल लीए तो पंजाब की सियासत बदलजू, पंजाब की फिजा बदलजू, पंजाब तरक्की करजू, तो पंजाब के अंदर जे सारे भाईचारे ते सारे लोग जो ने सुख शांति में रहेंगे। और नाल ही देखो एक होर है कि जी आम आदमी पार्टी है, सब तो पहली तो गल है कि जो उन्होंने उम्मीदवार ने सुशील कुमार रिंकू, तुम भी वो वीडियो उन्होंने देखी होनी है जी, मेरा ख्याल है कि जनवरी की नहीं तो फरवरी की होगी, इस साल की दो महीने पुरानी है, 2-3 महीने पुरानी होगी। उस वीडियो के बीबिया संबोधन हो रहा है, कोई कट है बीबिया का, तो बीबिया कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लोगों खास करके बीबिया के नाल धोखा किया है, और उस धोखे का शिकार जिहड़ियां पंजाब दियां बीबिया ने वो वड्डे पद्धर ते होईयां ने। धोखा की है कि 18 साल तो लैके जिहड़ी मंजी ते भी पई है आखिरी साहां ते उन्होंने 1000 रुपया महीने का दया करांगे, फार्म भरे गए लोगों के, गरंटी दी गई। तो फिर रिंकू जी कहते हैं उस समय पता नहीं 11 महीने हो गए थे, 10 महीने हो गए थे जदों की उन्होंने वीडियो है, वो कहते कि भाई हुण तक जवानी नहीं आई, तो इन्होंने आम आदमी पार्टी वाले ने तुहाडे कोले आना है, शायद उदों जे चौधरी साहब की डैथ हुई सी कि नहीं हुई सी, चौधरी संतोख सिंह होर की, उस समय भी वीडियो है। तो कहते किसी भी चोन च आम आदमी पार्टी वाले झाड़ू वाले ताड़े को आते हैं, तो उन्होंने एक सवाल जरूर करे जे कि भाई साडा 1000 कित्थे है, तो साडा हुण तक जिन्ने 1000 बनता जिन्ने महीने लंघे वह कित्थे है। तो नाल रिंकू जी बीबिया कहते हैं कि भाई जिन्ना चर ताडे अकाउंट च बनते हुआ प्रति महीने के हिसाब न 1000-1000 रुपया नहीं आता, हुण मेरा ख्याल 14 महीने हो गए, इहदा मतलब 14000 बन गया। हुण जे 14000 तुहाडे अकाउंट च नहीं आउंदा ते बीबीओ तुसीं वोट झाड़ू नूं नहीं पाउणी, ते क्या आ देखी वीडियो कि सर देखी। हुण मेरी हथ बन के बेनती है बीबिया नूं खास करके, वैसे तो सारिया नूं ही है, ठगी किसे ना किसे रूप च वजगी, किसे ना किसे रूप च वजगी, बीबिया भैणां नूं मेरी बेनती है कि बीबीओ जे तुसीं कि झाड़ू नूं वोट पा दे तो सुशील कुमार रिंकू जी का तुहानूं पाप लग जाणा जी, हाँ जी श्राप लग जाणा जी, क्योंकि बड़े ब्रह्म ज्ञानी है, मेरा ख्याल वो जुआ भी खड़ाउंदे है, सट्टा भी लवाउंदे है, लाटरी भी चलाउंदे है, कब्जे भी करते है, कलोनियां भी कटते है, उगराई भी करते है, ये मैं नहीं कहता, ये उन्हां दा साथी जिहड़ा आ जिहड़े जलंधर वैच तो
कांग्रेस आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने की नाम उनका शीतल अंगराज इस शीतल अंगराज जी कहें शीतल अंगराज जी कहें कि जेड़ा शशीर कुमार रिंकू है इन्हें जलंधर वेस्ट न बर्बाद कर दिता और फिर नाल उदाहरण देंदे है ये बारे नवजोत सिंह सिद्धू जेडे कांग्रेस के प्रधान से उन्होंने भी बयान दिता कि साढ़े एम एल ए ने जलंधर वेस्ट बर्बाद कर दिता हूं दसो जिन्हें जलंधर वेस्ट बर्बाद कर दिता उसको नौ हल्के जरूर बर्बाद कराने जी खड़ा छोड़ो यह जो हाँ जी इस करके जरा एक तो यह गल है एक 300 यूनिट की बड़ी गल करते कि माफ करता जी 300 यूनिट माफ करता जी 200 यूनिट 1997 तो माफ है जरा एस सी एस टी बी सी बीपीएल फ्रीडम फाइटर हाँ जी उन्होंने सारे परिवार 1997 तो सरदार प्रकाश सिंह बादल ने यह जी है माफी शुरू की इन्होंने 100 यूनिट का वादा किया मान ली गल पर हम तुम दसो इन्होंने वादा से करता जो नवा लगे चंद चाड़न वो पंजाब वाले चल रहे हैं आ मेरा ख्याल यही चोन की कंडा सी नहीं तो काम तो शुरू हो गया सी की है कि बिजली के प्रीपेड मीटर काफी थाई लाभ दिते हैं सरकारी दफ्तर च लाते हैं होर थावां ते लाते हैं कि जिस तरह आप मोबाइल पहलो चार्ज कराने तो जिन्ना चर उस पैसा है तो उन्ना चर चलू तो जो पैसा खत्म हो गया तो उदो जरा मोबाइल बंद तो बत्ती वाले का जो प्रीपेड है वो इन्ना क्या दिहाड़ी को पहलो दस दिया करू भाई नहीं तो पैसे पूसे चपाला नहीं तो कल तेरे वाली बत्ती गोली हाँ जी वह हम बत्ती गोलों जे मीटर जो भगवंत मान सरकार लाने लगी है मेरा ख्याल ताे को साढ़े तो वह खबर आया कि प्रीपेड मीटर जोड़े आ वो लाने लगे दूसरी गल जी कि जी कांग्रेस के उम्मीदवार बीबी करमजीत कौर जी साढ़े सत्कारयोग ने बीबी जी ने और चौधरी संतोख सिंह जी जे दुनिया च नहीं रहे उन्होंने धर्म पत्नी दावा की किया जाता है कि जेड़ा चौधरी परिवार है ये लोगों का सेवादार हूँ मेरा सवाल यह है कि 30 साल तो लोगों ने तुम सेवा दी ताली सेवा की 30 साल तो ताली सेवा की है कि तुम एक घर चो दो एम एल ए एक घर चो दो मंत्री तो या फिर एक एम एल ए तो एक एम पी ऐतक तो मेरा खेल इतों तक सी फलौर भी एम एल ए इन्हों का करतारपुर भी एम एल ए इन्हों का जलंधर तो मैंबर पार्लीमेंट भी इन्हों का इसे परिवार का 30 साल हो गए 1992 तो लेकर लगातार इस परिवार के 2-3 मैंबर जोड़े ने सत्ता च रहे तो मैं एक काम गिना दो एक काम चौधरी परिवार गिना दे कि जेड़ा उन्होंने जलंधर के लोगों वास्ते किया तो कहें कि असं लोगों की सेवा करते हैं तो जे तो भाई यही है कि तुम आ सेवा 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 करके तो फिर यहोजी सेवा तो मत्था टेके चंगा है छो खड़ा जे तो यही है कि तू सुख सहूलत मिल जाए तू सत्ता मिल जाए यह सेवा आ तो फिर यहोजी सेवा छड़ दो तो मैं जलंधर के लोगों को भी बेनती करूँगा कि भाई हुण बड़ी सेवा कर ली चौधरी परिवार की बहुत सेवा कर ली ऐत की हुण इन्हों जवाब देने की लोड़ है जे मेरी गल चरंचक मात्र भी झूठ हो कोई कांग्रसी मैं कह सकता कि चौधरी परिवार ने जरा आ मार के का काम किया जी भावें 30 साल किया पर आ काम किया एक काम करा देन तो मैं भी कह दूंगा भाई चौधरी परिवार जरा वोटा का हक रखता है तो जो हम 30 साल किया कख नहीं तो फिर वोट तो ना बनती जी अगे आ गई भारतीय जनता पार्टी हर भाई कलोने गड्डिया गुडिया गड्डी नहीं तो घटो घट मोटरसाइकिल हर घर से दो दो तीन तीन है ही तुम यह दस दौ कि 8-9 साल पेट्रोल के रेट किन्ने बदे अपनी कंजम्पशन तो घटी नहीं अपनी तो मजबूरी है गड्डी च भी तेल पाना पैना आ मोटरसाइकिल च पाना पैना आ पर रेट किन्ना बद रहा कभी किसी ने महसूस किया जेड़े भारतीय जनता पार्टी सवाल उठाई होंगी सी जो तेल के वाधा होंगे रेट से अज जो रेट आ
पेट्रोल 60 तो 100 ते चला गया, दूना ही हो गया। जिहड़ा डीजल आ वह भी 50 तो 90 ते चला गया, दूना करता। साढ़े तो भारतीय जनता पार्टी ने सीधा जो सवाल है, ये हरेक परिवार की महत्व तो महत्व की भी जरूरत है डीजल ते पेट्रोल, जो तुम बेतहाशा वाधा करता वो जवाब दोगे पंजाब के लोगों को कि धड़ी बांह वेलने चाहिए कि जी लोगों की नित की वरतों है वो दूना दूना वाधा करता। दूना नहीं, एक रुपये तो 2 रुपया होया, 50 तो 90, 60 तो 100। हाँ जी, ये झलूगा, झलिया भी नहीं जाता। मैं तुम सीधी गल दसा, मतलब जो माड़ा मोटा सहिंदा वह भी नहीं झल सकता। अब हालात ये पर कंजम्पशन उन्नी है, मजबूरी है लोगों की पेट्रोल से डीजल वरतना। एक गैस सिलेंडर, मैं याद है कि 8-9 साल पहला मेरे को भी गैस एजेंसी है, मेरा खर्च 450-450 रेट से, हूँ कि 1150। 450 तो रेट 1150 तो जी हरेक घर का चूल्हा जी तो गैस तो बनना है, तो भारतीय जनता पार्टी कहती कि असं बड़ी सेवा करते हैं, बहुत वधिया सेवा करते हैं जी। तो सेवा करने वाले मेरा सवाल है कि कल्ली ये डीजल पेट्रोल या गैस ही नहीं महंगी हुई, किसी चीज को हाथ ला लो हरेक चीज महंगी, दूने दूनी रेट से चलेगी, तो की तुहाडी तनखाह दूनिया हुई है, की ताडे अदारे ने ताडिया तनखाह दूनिया कर दी, की किसी की आमदन दूनी हुई नहीं हुई। हाँ जी, तो नहीं हुई तो फिर लोगों के उत्ते लोग कितने जाएंगे, लोग कितने लोड़ां पूरियां करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी को जिहड़ा आ मोटे जे रूप च सवाल है। तो दूजे बने शायद ये भी पंजाब की सियासत का इन चंगा पण कह लो, जनू आप कह लीए कि साडा चेता ही इस तरह का हो गया, जो असं विसार दें कि सरदार प्रकाश सिंह बादल ने पंजाब के लोगों की भलाई वास्ते जो काम किए, जिन्हों की अच्छ शोभा करते हैं सारे, हरेक ने की है कि कदे सोच नहीं सी सकते कि आटा दाल वर्गी स्कीम भी जी पंजाब दे विच जी हिंदुस्तान च सब तो पहलों शुरू की गई कि गरीब नूं घट्टो घट्ट झाकना ना पवे, वो आटा दाल की स्कीम सर प्रकाश सिंह बादल ने शुरू की, और 2007 च शुरू की, 2007 च वादा किया सी चोणां च, ते चोणां जितण तो बाद 15 अगस्त 2007 तो स्कीम शुरू कर दी। शगर स्कीम 1997 दे विच सब तो पहले जो गरीब बच्चियां दे शगन दी स्कीम सब प्रकाश सिंह बादल ने शुरू की थी। बुढ़ापा पेंशन पूरे हिंदुस्तान च जे सब तो पहले किसी ने शुरू की थी, तो सब प्रकाश सिंह बादल ने बुढ़ापा अंगहीन विधवा पेंशन जी है वो तो शुरू की। शुरुआत वेले जिहड़ा कुदरती है कि उस समय जी राशि है वो घट हुंदी सी, हौली हौली वधदी वधदी हुण उच वाधा होया आ, पर जी स्कीम लियांदी जिदे नाल बजुर्ग की विधवा की अंगहीन की मदद हो सके, उस प्रकाश सिंह बादल ने लिया, तो फिर उस तो बाद जी है पूरे हिंदुस्तान च बाकी सूबा ने अडोप्ट की। गरीब बच्चियों साइकल असि आप देखते हैं, कई बच्चिया बेचारिया होंगे से जिन्हें कोई है ही कख नहीं, 10वीं 11वीं 12वीं दच्चियों साइकल, ये कि दिमाग च आया सब प्रकाश सिंह बादल के। शहर च तो सानू सहूलत मिल जाती है, पिंडां दे विच किसी हस्पताल जाने वास्ते बड़ी दिक्कत होंदी सी कि खास करके कोई जनेपे का केस होवे जां एक्सीडेंट का केस होवे। पूरे पंजाब दे विच 108 जिहड़ी एंबूलेंस है उह सब प्रकाश सिंह बादल ने शुरू कीती। किसानां दे बंबियां दे बिल माफ भुल गए है, आ जिहड़ी हुण वाली पीढ़ी है जिहड़ी नौजवान है इन्हां नूं तां पता ही नहीं होणा कि बंबियां दे बिल कदे लगदे वी सीगे, ते जे अज लगन ते 1997 च 67 रुपये होर्स पावर से, जे अज लगे तो घट्टो घट 300 रुपया होर्स पावर का हो, तो 15 होर्स पावर तो थले मोटर कोई नहीं है, कि मतलब 4500 रुपया एक मोटर वाले के घर सब प्रकाश सिंह बादल की जेब च पाउंदा है। हाँ जी, वो भुल गए। मामला माफ, मेरा ख्याल है कि आपको किसी को पता नहीं होना, लाभ सुरहण पता हो मामला की चीज होंगी ही, बारे में मेरा ख्याल किसी को पूछ लो भी मामले का पता नहीं होना। रेवेन्यू टैक्स होंदा सीगा जिहड़ा जमीना ते लगदा सी, फसल ते लगदा सीगा, सरकार उगराई करदी सीगी, नंबरदार उगराई करदे सीगे,
1997 ਵਿੱਚ ਸਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਖੋਲ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਤੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਟਿਊਬਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 90% ਸਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-2.5-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਮੰਡੀ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਿਲਜੂਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 2200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਡੀਆਂ ਹੈ ਤੇ 12,000 ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਓ 95% ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਮੰਡ ਏਰੀਏ ਤੱਕ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚਾਹੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਹਾਂਜੀ ਏਅਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਸਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਚਾਹੇ 1997 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਚਾਹੇ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਬਣੀ ਚਾਹੇ ਵਿਰਾਸਤ ਏ ਮਾਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵਿਰਾਸਤ ਏ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਹਾਂਜੀ ਮਨਾਰੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵਾਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ 1947 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਦਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਮ ਤੀਰਥ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਭਵਿਆ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਮੀਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਔਰ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਉੱਥੇ ਮਨਾਰੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਈ ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤਦੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੋਨੇ ਚੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੋਨੇ ਚੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਵੇਂ ਗਲਤ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਆਈ ਹੈ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਹੋ ਜੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਆਊਗੀ ਅਜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਖੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਦਵਾਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ?
एसबीसी प्रधान लैके भगवंत मान ने ट्वीट किया। ट्वीट लिखा उन्होंने एक अजिही राजनीतिक पार्टी जिस उपर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी ने इल्जाम लगते हैं उस पार्टी के हक में एसबीसी प्रधान द्वारा वोटों का प्रचार करना कितना जायज है कि ये लोगों की धार्मिक भावनावां दबाट। देखो यही बदकिस्मती पंजाब की हूं तक पिछले सत्तां सालों तो सियासती की शब्दों का अजिहा प्रगटावा कर करके लोगों को गुमराह किया गया, सिख संगत साडे पंजाबियों को गुमराह किया गया, समुची दुनिया च जिहड़े गुरु नानक नाम लेवा ने उन्होंने गुमराह किया गया। जिहड़ी बेअदबियां दे केस ने उन्हां दी बकायदा एक सिट बनी सी, जिहड़ी इनवेस्टिगेशन टीम बनी सी हाई कोर्ट ने बनाई सी आई जी एस पी एस परमार की अगवाई के थले, उन्होंने समुची पड़ताल करने तो बाद जांच करने तो बाद इनवेस्टिगेशन करने तो बाद चलान भी टू कोर्ट करता सैशन कोर्ट फरीदकोट च चलान दे देता और उसकी एक कापी बना के चलान दी जी अखीर ते लिखा आ कि इस केस दे विच होर जांच करने की लोड़ नहीं, जांच मुकम्मल है। वो जिहड़ी कापी है जदों सरकार बनी भगवंत सिंह मान की मेरा ख्याल कि महीने के दे विच ही जिहड़े एस पी एस परमार ने वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान नूं दे गए, उहदे च एक शब्द दिखा दिओ जिथे किते भी बेअदबी दे नाल अकाली सरकार का अकाली लीडरशिप का सरकार दे विच बैठे हुए लोगों का कोई संबंध जुड़ता हो। हुण मैं पुछना चाहुंदा है कि जो बेअदबी गुरद्वारा कोतवाली साहब मरिंडा च हुई है वह बेअदबी नहीं, जिहड़ी बेअदबी कल गुरदासपुर च हुई है वह बेअदबी नहीं, जिहड़ी बेअदबी तीन दिन पहलों गोलेवाला शायद गोलेवाला पिंड ही है मोगे च जिहड़ी एक कार दे विच हाँ जी एक विशेष भाईचारे के लोग जिहड़े ने गुटका साहब के अंग खिलारते जाते हैं हाँ जी उस भाईचारे नाल संबंधित ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता हाँ जी वह बेअदबी नहीं। गल तो यह है कि इन्हां लोगों ने पंजाब की लोगों नूं इंसाफ देने की थां ते केवल गंदी सियासत की। साडी हथ बल के बेनती है इंसाफ दिओ, सरकारां दा फर्ज बनता इंसाफ देना और जिहड़ियां एजेंसियां ने साडी है पंजाब पुलिस जिहड़ी साडी इनफोर्समेंट एजेंसी है अज उहदे उत्ते इन्ना ज़्यादा दबाव जिस कदर उहदी वरतों की जा रही है हाँ जी इत्थों तक कि उन्हां नूं सिद्धे कहा जाता कि नौकरी करनी है कि घर नूं जाणा कि जेल च जाणा। हुण किहड़ा जज चंगा भला आई आई पी एस जां आई एस होवे तो कह के पता नहीं इहदा कमरे का मैनूं इत्थे तोर ही ना दिंदा होवे हाँ जी, क्योंकि जज जी दी घरवाली ना नहीं बनी हुण उस पासे नूं मैं जाना चाहुंदा। मेरा ख्याल हुण उहदी साली साहिबां दी आई रिकॉर्डिंग सुनी है कि सुनी सुनाई है नहीं तुहानूं, मैं ख्या जिहड़े फुल पाए आ ਉਹ ਸਾਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਸ਼ਰਮ ਆਊਗੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਤਰੀ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਘੱਲਦਾ ਉੱਥੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਲਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਊਗਾ। इस करके जरा गल यार गल छी हूं यह तो हम आप बला सेट ली हम चार साल अजे हो चलना पैना बादल साहब पूरे कर गए दो दिन चुनौती रखा गया सारिया पार्टिया ने कहा कि प्रचार नहीं करना पर सीएम भगवंत मान उस दिन इतने प्रचार भी करते रहे थे ढोल ढक्की भी बचते रहे। देखो जी नहीं करता कोई किसी तरह का कमेंट करिए, बड़ा माण दिता है वक् वक् पार्टिया ने वक् वक् लीडरशिप ने बड़े बड़े कदावर लीडर ने जिथे देश के प्रधानमंत्री आ जाण ते तुरत आ जाण आपदी जिहड़ा उन्हां दा काफला हुंदा है वह भी ना पहुंचा होवे जिहड़ा कि एक प्रधानमंत्री का आया एक प्रोटोकॉल है कि वह उसे काफले च चलते हैं तो फिर एमरजेंसी उन्होंने पंजाब सरकार का काफला वरत्या हाँ जी इस करके वरत्या कि वह एड्डी वड्डी सन्मानित हस्ती सन सत प्रकाश सिंह बादल के प्रधानमंत्री ने सारे रझेवे छड़ के मिथे हुए तो चंडीगढ़ पहुंचे तो आ के शरदा के फुल भेंट किए तो पता नहीं किड्डी कि वड्डी लाइन है वड्डिया वड्डिया हस्तियां ने शरदा के फुल भेंट किए तो मुख्यमंत्री चंडीगढ़ उठते हैं
ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹੁੰਚਦੇ ਵੀ ਨਾ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟਵੀਟ ਪੜ ਲਿਆ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਟਵੀਟ ਪੜ ਲਿਆ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਚਲਾਣ ਕਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਜ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਫਸੋਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਤੰਜ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤਾਂ ਗਿੱਧਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹੀ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਧਰਮਵਾਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਜਿਸ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਕਦਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਜੀ ਛੱਡੋ ਇਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਹਿਤਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦਲਪਣਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ